ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले खड़े रहो, खड़े ऐसे खड़े होने का, हाँ, और ऐसे पैर मारने का जोर से। माना तू है ना, क्या कर रही हो? माना हिम्मत, माना क्यों मार रही हो? हिम्मत मार रही है इसे, क्या क्या इसने? अरे आई पूछो इसने, इसने क्या किया है मेरी छोटी बाची के साथ, इतनी छोटी बच्ची के साथ इसने। अरे जब मैंने इसको देखा ना, इसका उसकी फ्रॉक में हाथ था। सही कह रही है माला, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे जाना दिखा दे के ले रहा हूँ। रुक रुक रुक, देखो कुछ गलत फहमी हुई है, संजू ऐसा लड़का नहीं है, अच्छा लड़का है। आप मेरे बहन के पति हो ना, इसलिए आपका लिहाज करके मैं इसे अभी जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे कोर्ट ले जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा इसे मैं। मुलजिम संजू शिरोडकर पर चाइल्ड मोलेस्टेशन का इल्जाम सही साबित हुआ है। क्योंकि मुलजिम अभी नाबालिग है, इसीलिए उसे 2 सालों के लिए जुविनाइल रिमांड होम में रहने की ताकीद की जाती है। कहते हैं जिंदगी एक मंच है जहां हम सब अपना अपना किरदार निभाते हैं। अगर ये बात सच है तो ये किरदार हमें देता कौन है? कौन ये तय करता है कि कौन नायक बनेगा और कौन खलनायक? नमस्कार, आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि अगर अपना किरदार चुनना और अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखना हर इंसान के बस में होता तो ना तो इस दुनिया में कोई खलनायक होते और ना ही कभी कोई दुख भरी कहानी लिखी जाती। लेकिन सिर्फ चंद खुशकिस्मत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख पाते हैं। हेलो, बोरीवली पुलिस स्टेशन, सब इंस्पेक्टर तांबे। कहाँ? सर, मैं होटल का मैनेजर हूँ, मैंने ही आपको फोन किया था। आपको किसी पर शक? किसने किया होगा ये? संजू भाई ने इनका मर्डर किया है। मैंने उसे अपनी आंखों से भागते हुए देखा है बाहर से। गाइड? Yes. हम लोग 2 वीक्स पहले ब्राजील से अपने देश आए थे और वो 1 वीक से हमारे साथ था। झगड़ा हुआ था मेरे पति और संजू गाइड के बीच में। इनका पर्स, सारे पैसे सब लेके चला गया वो, उसी ने ही मारा इन्हें। आपके किसी स्टाफ ने मर्डर होते हुए या मुजरिम को भागते हुए देखा था? नहीं सर, हम लोग तो मिसेज अय्यर की चीख सुनकर वहाँ पहुँचे थे, अब तक वो वहाँ से भाग चुका था। आपके यहाँ तो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, आई होप काम कर रहे होंगे, फुटेज दिखाइए जरा। यस सर, लेकिन रात को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसके लिए हमने इंजीनियर को बुलाया था। करीब 1 घंटे से 2 घंटे तक पूरा सिस्टम डाउन था, लेकिन उसके होटल से भागने की पूरी फुटेज हमारे पास है क्योंकि उस समय कैमरा ऑन था। ठीक है, फुटेज दिखाइए। पॉज करो, ज्वाइन करो, बस प्ले करो। तो चेहरा डबी है इस फुटेज में, शायद बाहर वाले फुटेज में दिखा, बाहर वाला फुटेज दिखा। ठीक है, इसके कॉपी पुलिस स्टेशन भेज देना। सर, ये संजू गाइड इतना भी मासूम नहीं है। पहले सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए उसने चेहरा छुपाया, फिर फोन और सिम कार्ड को तोड़ के फेंक दिया ताकि पुलिस उसे ट्रैक ना कर पाए। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि उसे पुलिस की बेसिक वर्किंग स्टाइल या क्राइम के बारे में बेसिक नॉलेज तो है। तांबे, उसने चेहरा ढका हुआ था तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये संजू गाइड था जिसके बारे में मिसेस अय्यर बोल रही थी। लेकिन अगर वो वही है तो इतना बेवकूफ नहीं है कि मर्डर करने के बाद वो अपने घर चले जाए। फिर भी उसके घर का एड्रेस निकालो। सर, जी सर, संजू गाइड यही रहता है सर? पर हाँ तो... सर यही रहता है, लेकिन कल रात से घर नहीं आया वो और फोन भी नहीं मिल रहा है उसका। क्या हुआ सर? घर की तलाशी लेनी है, तलाशी लो घर की, हटो हटो, पूरा घर छान मार रहा। सर लेकिन सर क्या बात है सर, वो ठीक तो है सर? सर नहीं है। इस वक्त तुम्हारा भाई कहाँ मिलेगा? सर इस बारे में हम कुछ नहीं जानते, बचपन से एक नंबर का आवारा लड़का है सर, वो तो इनका छोटा भाई है तो इसलिए हमने इसको घर पे रखा हुआ है। सर
टूरिस्ट गाइड है वो, इसलिए उसके आने जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, क्लाइंट के हिसाब से चलना पड़ता है ना सर। इन दिनों किस क्लाइंट को गाइड कर रहे हैं, कुछ आइडिया है? नहीं सर, पक्का पता नहीं है, लेकिन कोई NRI क्लाइंट है, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, और उसमें से मिस्टर अय्यर का मर्डर हुआ है और तुम्हारा भाई प्राइम सस्पेक्ट है। उसकी कोई फोटो है? सर है, मैं ला के देती हूँ। सर ये रहा। अरे तू आओ, अरे चला ना अंदर। कैसे आना हुआ? सोचा जाते जाते एक खुशखबरी सुनाओ तुझे। क्या बात कर रहा है यार, कैसी खुशखबरी? तेरी वो मीना मिली थी गजरे वाली। क्या बात कर रहा है यार? हाँ मतलब मैंने बात की उससे तेरे बारे में, वो बोल रही थी कल शाम को मिलने वाली तुझे। सच? हाँ अभी देख आगे क्या करने का। थैंक्स यार संजू, तूने तो मेरी लाइफ बना दी सच्ची। चल यार बहुत लेट हो रहा है मुझे, लास्ट ट्रेन चली जाएगी मेरी। अरे सुना काहे को टेंशन लेता है, रात में इधर ही रुक जाना, सवेरे ट्रेन चालू होगी तो आराम से चले जाना। चलेगा तुझे? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा, और वैसे भी तुझे पार्टी तो देनी है, मेरा इतना अच्छा काम जो किया है तूने। चल ठीक है। सर जिस बॉटल से उसका कत्ल हुआ था उसके टुकड़े विक्टिम के खून से पूरी तरह से सन चुके हैं, और इसकी वजह से उस पर से फिंगरप्रिंट्स मिल पाना इम्पॉसिबल है। संजू बेसिकली नासिक का रहने वाला है, यहाँ अपने दादा और बहनी के साथ रहता है। सर संजू मुंबई टाउन के आसपास गाइड का काम करता है, दिखने में हैंडसम है, ठीक ठाक बोल लेता है, वेल मैनर्ड है, इसलिए फॉरेन टूरिस्ट के बीच वो बहुत फेमस है। अगर ये मर्डर संजू ने किया है तो ये उसके लिए पहला क्राइम नहीं है, इससे पहले भी नासिक में चाइल्ड अब्यूज के लिए वो 2 साल रिमांड होम में रह चुका है। रिमांड होम से छूटने के बाद ही उसके माँ बाप ने उसे मुंबई में भाई के पास भेज दिया जो खुद भी एक गाइड है। शुरुआत के दिनों में वो अपने भाई के साथ ही गाइड का काम करता था, लेकिन पिछले 2 साल से वो इंडिपेंडेंटली गाइड का काम कर रहा है। आस पड़ोस में इंक्वायरी की? जी सर, लेकिन एक भी सिंगल आदमी उसके साथ बातचीत नहीं करता था। क्यों? अपनी भाभी के भतीजी के साथ बहुत गंदा काम किया था उसने। पूरे मोहल्ले में कोई बात नहीं करता था उनसे। आस पड़ोस में नहीं तो कोई तो होगा जिससे वो बात करता था, कोई दोस्त होगा। जमाल एक पॉकेट मार। तब मैंने कुछ नहीं किया। उठ, छोड़ी सर, ये लीजिए, जाइए आप। साहब मुझे जाना था ना। तू जमाल है ना? हाँ साहब। संजू तेरा दोस्त है? हाँ सर। और किस किस से दोस्ती है उसकी? सर उसकी हिस्ट्री से मैं तो पूरा पूरा शहर जानता हूँ साहब, इसलिए उससे दोस्ती करना दूर की बात, बात भी नहीं करता साहब। उसकी हिस्ट्री तो नासिक से शुरू हुई, मुंबई कैसे पहुंच गई? उसकी बहनी की वजह से, वो उसको जरा भी पसंद नहीं करती। उसके बॉम्बे आने से पहले उसने सबको का बता दिया कि उसका केस चल रहा है, इसलिए उससे कोई बात नहीं करता था। उसके सिर्फ दो ही दोस्त, मैं और यादव। यादव तो टैक्सी चला रहा था साहब, और क्या, और वो मेरा पार्टनर था साहब। पार्टनर कैसे? वो गाइड है ना साहब। ये ले, तेरे फिर तेरे मेरे फिर सॉलिड। संजू भाई मजा आ गया आज तो। क्या भाई लोग बड़े नोट गिन रहे हो है? लगता है तगड़ी कमाई की है आज। तो फिर तो मेरा हिस्सा किधर है? अरे मिलेगा यार, तेरे को भी मिलेगा। संजू दे इसको यार, पार्टी नहीं दोगे मेरे को? चल पार्टी करते। ये हुई ना बात। ये बात तो साफ है कि ये गाइड संजू दोनों चीजों का आदि था, पैसे कमाने के लिए और पैसे उड़ाने के लिए। मिसेस अय्यर ने हमें बताया था कि पैसों को लेकर उनके पति के साथ उनका झगड़ा होता था, और होटल रूम से मिस्टर अय्यर का वॉलेट भी गायब है और लॉकर से कैश भी। सर मामला क्लियर है, लूट के लिए ही हत्या की गई थी। संजू ने मिस्टर अय्यर से पैसों की डिमांड की, मिस्टर अय्यर ने मना किया, संजू उसको मारकर पैसे लेके भाग गए। लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन हम दावे के साथ नहीं कह सकते जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो। मैं समझा नहीं सर। तांबे, हम पुलिस वाले हैं, मुजरिम और मर्डर ये शब्द हम दिन में इतनी बार सुनते हैं कि उनका मतलब तो हमें पता होता है, पर इसके असर को लेकर हमारा एहसास खत्म हो जाता है। किसी भी बेगुनाह पर मुजरिम का लेबल लगाकर हम उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो किसी पर भी मुजरिम का लेबल लगाना गलत होगा। सॉरी सर। इट्स ओके। ये टैक्सी ड्राइवर यादव, ये कहाँ मिलेगा हमें?
जी साहब। यादव। हाँ साहब, संजू आया था कल, मेरे साथ रुका भी था पूरी रात, वो सुबह ही चला गया। मुझे नहीं मालूम था साहब कि वो खून करके भागा है, नहीं तो उसी वक्त खबर की होती आपको। सच्ची साहब, मेरा उसके साथ सिर्फ उठना बैठना है, उसके धंधे से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है साहब, सच्ची बोल रहा हूँ साहब। यहाँ से कहाँ जाने वाला था, कुछ बोला था? नहीं साहब, बस चाय पी और निकल गया। ये संजू ड्रग्स लेता था? नहीं साहब, कभी कभार बियर या बिस्की ले लेता था साहब। कोई गर्लफ्रेंड है उसकी? नहीं साहब, जहाँ तक मुझे मालूम है किसी लड़की से दोस्ती नहीं है साहब उसकी। ठीक, अगर वो यहाँ दोबारा आए या फोन करे तो हमें खबर करना। हाँ साहब, एकदम पक्का, वो जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको खबर करूंगा साहब। क्या सोच रहे सर? संजू के बारे में सोच रहा था। संजू टूरिस्ट का काम करता है, अपने भाई के साथ रहता है, टूरिस्ट बिजनेस में अच्छा खासा कमाता है, ना ड्रग्स लेता है ना कोई गर्लफ्रेंड, अच्छा खासा कमाता होगा। फिर उसे पैसों की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि उसने मर्डर जैसा संगीन जुर्म किया। इसके अलावा टूरिस्ट गाइड का काम करते वक्त पैसेंजर को ठग के भी वो पैसे कमाता होगा, और इतना सारा पैसा वो सिर्फ दो दोस्तों पर खर्चा करता होगा। मुझे नहीं लगता। तांबे, इस संजू के बारे में कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है, पता करो। सर, मैं अपने खबरियों को काम पे लगा देता हूँ, तुरंत सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तब तक मैं संजू के घर पे ग्राउंड मार के आता हूँ। सर, सर वो नहीं है यहाँ पर, और मेरा कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ। बाबा जी, रूम कूटा है। सर रूम इधर है, मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत रंगीन मिजाज लगता है आपका भाई, रूम की तलाशी लो। सर, सर एक्चुअली टूरिस्ट गाइड है हम लोग, तो गर्मी में टूरिस्टों के साथ घूमना पड़ता है, हमें पसीने की बदबू ना है, इसलिए हमें वो परफ्यूम लगाना पड़ता है। सर, सर ये मिला है चाइल्ड पॉट, ये भी शायद आपके धंधे की जरूरत होगी ना। ये लड़की की फोटो मिली है। ये कौन है? नहीं मालूम सर। साहब उसका कोई नया शिकार होगा, बच्चों के साथ गलत काम करना तो उसका पुराना शौक है ना। अगर इनका भाई यहाँ आता है तो सबसे पहले आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। जी सर। मैं ऐसा क्यों करूंगी, मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? चुप कर। मैंने पहले कभी बोला नहीं, लेकिन नासिक में ही तूने ही फंसाया ना उसको, क्या बिगाड़ा उसने तेरा, क्यों पीछे पड़ी हुई उसके? उस नीच इंसान के लिए तुमने मुझ पे हाथ उठाया ना? हाँ, एक बार पुलिस को पकड़ लेने दो उसको, देखना खुद से सर झुका के मेरे आगे ना माफी मांगी तो तुमने। श्वेता की तस्वीर का संजू के पास मिलना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि अलग अलग जगहों और अलग अलग हालात में शुरू हुई इन दोनों की जिंदगी की कहानियां मिल चुकी थी, लेकिन कैसे? संजू का श्वेता के साथ क्या रिश्ता था? क्या वाकई संजू ने इस बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था या बनाने वाला था? और जिस NRI का कत्ल करके संजू फरार हुआ था वो इस कहानी में कहां फिट बैठता था? ये वो सवाल थे जिनमें से कुछ के जवाब वक्त को देने थे और कुछ के पुलिस को ढूंढने थे। साहब बोल। पता किया उस गुंडे के बारे में मैंने साहब, दो टाके की 13 नंबर गली में एक कैसर मौसी का चकला है, वहाँ उसका हर रोज का उठना बैठना है साहब। और एक बात साहब, वहाँ उसके जमुना नाम के एक आइटम फिक्स है, वो सिर्फ उसके साथ ही उठता बैठता है साहब। केसर भाई। हाँ मैं हूँ, बोलो। पुलिस। घिनौना होता ना साहब, घिनौना, बस घिनौने से भी घिनौना आदमी था संजय। पहले तो यहाँ पे वो सिर्फ 2-3 दिन में एक बार आता था, फिर अचानक उसकी नजर यहाँ पे छोटी सी बच्ची पर पड़ी, 9 साल की महेश साहब, इतनी सी बच्ची पड़ी, हमेशा उसको हमें यहाँ ले आता था, उसके साथ बैठ कर मजे करता था। मैं उसकी नजर समझ गई, इसलिए मैं उस पर नजर रखने लगी, कभी उसको कभी भी उसके साथ कुछ करने का मौका नहीं दिया मैं, वरना वो समझू तो। वो बच्ची मिली कहाँ तुम्हें? कहाँ थी साहब, रस्ते पर भटक रही थी अकेली बेचारी, इसलिए मैंने सोचा मैं उसे अपने साथ ले आई, सोचा थोड़ा आसरा मिल जाएगा। ये बच्ची थी? हाँ सर, ये थी बच्ची, एज थी। बच्ची को बुला। बच्चियाँ नहीं है सर, पिछले हफ्ते तो आपके डिपार्टमेंट वाले यहाँ पर रेड मार्केट चले गए, उसमें से उसको भी यहाँ पे लेके गए थे, और पता चला बाद में कि उसे किसी अनाथ आश्रम में दाखिला कर दिया उसका।
सभी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके उस अनाथ आश्रम के बारे में पता करूं। यस सर। उसे जानते हो? हाँ सर, श्वेता नाम है इस बच्ची का। पुलिस जिस दिन उसे यहाँ छोड़कर गई थी, एक 23-24 साल का आदमी आया था उसे ढूंढते हुए। वो अपने आप को इस बच्ची का कजिन बता रहा था, लेकिन जब हमने उसे रिश्ते का तस्दीक करना चाही तो वो उसका कोई प्रूफ नहीं दे पाया, इसलिए हमने उससे मिलने नहीं दी। तो वो इस बात पे काफ़ी नाराज़ हो गया था सर, और बातचीत मारपीट पे आ गई थी सर। बच्ची को बुलाइए। सर वो एक्चुअली में क्या है? क्या हुआ? बच्ची को बुलाने के लिए कहा तो आपके पसीने क्यों छूट गए? बुलाइए बच्ची को। सर वो बच्ची यहाँ नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ है बच्ची? एक 9 साल की बच्ची आपके एनजीओ से गायब हो जाती है और आपको पता ही नहीं है वो चली गई है या कोई उसे उठाकर लेकर गया। एनजीओ चलाते हो या मजाक करते हो? और मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई आप लोगों ने? अगर हम ऐसे करते तो सरकार से मिलने वाली ग्रांट बंद हो जाती और उसका यहाँ और बच्चों पर बहुत असर पड़ता सर, इसलिए कंप्लेंट नहीं करवाई। किसी पर शक है? हाँ सर, हम सबको उसी आदमी पर शक है जो उसका कजिन बनकर यहाँ है। ये आदमी था? हाँ सर, ये वही आदमी है। भगवान ना करे वो बच्ची उसके पास हो सर। हेलो जमल भाई, संजू बोल रहा हूँ। संजू? अरे वो पुलिस। पता है मुझे, मेरी बात ध्यान से सुन। कल मैं सुबह मुंबई छोड़ के जाने वाला हूँ, आज रात को छुपने के लिए मुझे जगह चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प कर। तू मेरे मालवानी वाले भाईजान का घर जानता है ना, एक काम कर तू वहीं आ जा। सर संजू गाइड हमारे हाथ नहीं आ रहा और ना ये केस आगे बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको? तांबे, जब भी कोई क्रिमिनल पुलिस से बचकर भागता है, जितनी उसकी सोच होती है उससे एक रास्ता बना लेता है। ये रास्ता पहले उसे हमसे आगे रखता है और फिर हमेशा हमेशा के लिए दूर। एक्सप्लेन करता हूं। रिकॉर्ड के हिसाब से ये है संजू, जो चाइल्ड अब्यूजर। यहां उसकी मुलाकात होती है श्वेता से। श्वेता एक अनाथ आश्रम में रहती है, संजू श्वेता को लेकर भाग जाता है। फिर संजू की मुलाकात होती है अय्यर से। संजू अय्यर से पैसे मांगता है, अय्यर पैसे देने से मना करता है, तो संजू अय्यर का खून कर देता है। अब संजू श्वेता को लेकर मुंबई के बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन संजू की मोडस ऑपरेंडी को देखते हुए वो वैसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि शहर से बाहर निकलने वाले सारे एग्जिट पॉइंट पर हमारी नजर होती है। इसलिए संजू श्वेता को यहीं छोड़कर अकेला मूव कर रहा होगा। तांबे, इस संजू के जितने भी दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, अड्डे हैं, उन पर नजर रखो, ये संजू तुम्हें वहीं मिलेगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी। हेलो। ओके सर। सर मैंने कुछ दोस्त माना था मैंने तुझे। चल सर। सर तूने मिस्टर अय्यर को क्यों मारा? अय्यर को क्यों मारा? श्वेता कहाँ है? क्या किया उसके साथ? श्वेता? हाँ श्वेता, वो छोटी सी बच्ची जिस पर तेरी गंदी नजर थी, अनाथ आश्रम से तूने किडनैप किया था ना, क्या किया उसके साथ? क्या श्वेता? नहीं बोलेगा? तेरी खामोशी ना तुझे बचा नहीं सकती। तोड़ो उसे, तब तक तोड़ो जब तक ये सच ना बता दे। सर बहुत सख्त जान है, इतना तोड़ा लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकला सिवाय श्वेता के, क्योंकि अभी तक उसे वहां चोट नहीं लगी जिससे उसे दर्द होगा। तांबे, डर सिर्फ इस बात का है कि लड़की तक पहुंचने में हमें देर ना हो जाए, उसके पहले इसका मुंह खोलना पड़ेगा। एनआरआई अय्यर का हत्यारा और श्वेता का अपहरणकर्ता संजू गाइड अब पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन ना तो वो अपने जुर्म को कबूल कर रहा था और ना ही उससे इनकार कर रहा था। पुलिस के हर सवाल का उसके पास सिर्फ एक ही जवाब था, उसकी गहरी खाली आंखें और उसकी खामोशी। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस संजू की खामोशी नहीं तोड़ पाई, लेकिन उसे तोड़ना बहुत जरूरी था क्योंकि श्वेता कहां है इस राज का खुलासा सिर्फ वही कर सकता था।
और पुलिस को इस बात का डर था कि अगर वो वक्त रहते संजू की खामोशी नहीं तोड़ पाई तो कहीं श्वेता तक पहुंचने में उन्हें देर ना हो जाए। आगे क्या हुआ? क्या वाकई पुलिस का डर सही साबित हुआ? क्या सच में उन्हें श्वेता तक पहुंचने में देर हो गई? संजू, तुझे हमारे साथ चलना होगा। हमें 9 साल की एक छोटी सी बच्ची की जली हुई लाश मिली है और हमें पूरा यकीन है कि वो श्वेता ही है। चल, शनाख्त करनी है। श्वेता ऐसे कैसे हो गया सर? सर ऐसे कैसे हो गया श्वेता के साथ? सर सर ऐसे कैसे हुआ सर? श्वेता की जली हुई बॉडी देखने के बाद तुम्हारी जो हालत हुई है उसे पता चलता है कि तुम उसका भला चाहते थे। संजू, अब तो सच बता दो, किसने किया ये सब? सर सर मैं उसे अपनी अपनी बहन मानता था सर। बहन? हाँ सर, मैं उसे पहले दिन से बहन मानता हूँ, जब मैं चमुना के कोटे पे उससे मिला था। लेकिन एक दिन पुलिस की रेड पड़ी तो अनाथ आश्रम चली गई और मौका मिलते ही तुमने उसे भगा लिया। नहीं सर, मैंने नहीं भगाया उसे। जब तुम्हें पता था कि श्वेता गायब होने के बाद सबसे पहला शक तुम पर आएगा तो तुम भागे क्यों? पुलिस के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि पुलिस कभी सच का पता नहीं लगाती, उनको सिर्फ फाइल क्लोज करना आता है। मेरे साथ पहले भी ऐसे हुआ है, दोबारा ना हो इसलिए मैंने। अच्छा ही हुआ श्वेता भाग गई उसे एनजीओ और वो अय्यर के पास से। मतलब? मिस्टर अय्यर और मिसेस अय्यर ने मुझे गाइड बनाया था। उन्होंने मुझे कहा कि उनको बच्चा नहीं है, वो किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, इसीलिए इंडिया आ रहे। मतलब पहला चुड़ी नजरे समोर श्वेता आली सर, मुझे लगा कि उसको आई पापा मिल गए, उसकी जिंदगी सुधर गई। मैंने उनको कहा कि अभी पेपर जल्दी बनाओ। मैंने श्वेता को समझाया, वो भी बहुत खुश थी। श्वेता को देखते ही उन्होंने पसंद कर दिया था सर। एडॉप्शन की प्रोसेस चालू ही थी सर। उसके होने वाले आई बाबा के पास मैं श्वेता को लेके जाता उनके होटल पे, ताकि एक दूसरे को जान सके। ये एडॉप्शन वाली बात क्यों छुपाई हमसे? नो, मैंने कुछ पर्पसली नहीं छुपाया। वो सडनली मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो मैं बहुत घबरा गई और मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। एनजीओ वाले ने मुझे बताया कि 2-3 दिन में पेपर तैयार हो जाएगी। मिस्टर अय्यर और मिसेस अय्यर बहुत खुश थे, उन्होंने मुझे एक बड़ी टीम दी। मैं भी बहुत खुश था। खुशी मनाने में जमुना के कोठे पे गए। निकल यहाँ से बाहर। क्या कर रही है? तुझे क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? राक्षस है तू, राक्षस। ये क्या बोल रही थी? हाँ, मैंने क्या किया? वो अनाथ आश्रम वाला यहाँ आया था तेरी तरह नोटों की गड्डिया लेकर, और पता है नशे में उसने सब पक दिया। तुम लोग श्वेता को 5 लाख में बेचने वाले थे ना, सब पक दिया है उसने। तू मेरी आंखों से ना बिल्कुल दूर हट जा, बिल्कुल दूर। ये क्या बोल रही थी? क्या बोल रही हो? यही सच है। तू निकल जा, निकल जा मेरी आंखों के सामने से, जा यहां से। मुझे बहुत गुस्सा आया सर। मैं दूसरे दिन वो अनाथ आश्रम में गया, उसके मैनेजर को 2-4 थप्पड़ लगाए। लड़की के साथ ऐसे कर रहा है? उठ उठ उठ। बाद में अय्यर को मिलने होटल चला गया। आई थिंक अब सारे कैमरा स्टार्ट हो जाने चाहिए। संजू, what happened संजू? तुम्हारा कहना है कि तुमने अय्यर को नहीं मारा। तुम जब होटल पहुंचे तो अय्यर पहले से मर चुका था, तो तुम भागे क्यों? हमारे पास क्यों नहीं है? सर मैं ये जानता था, मैं आपके पास आया तो वो एनजीओ वाले और मिसेस अय्यर मिलके मुझे फंसा लेंगे, इसीलिए मैंने भागने का सोचा। मैं कल ही भागने वाला था मुंबई से। संजू, जो कहानी तुमने सुनाई है दिल तो करता कि उस पर यकीन करूं, पर कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। जब तक तुमने जो कहानी सुनाई है उसके सच्चाई के सबूत हमें नहीं मिले। जो डेड बॉडी हमने तुम्हें दिखाई थी वो श्वेता की नहीं थी। भगवान से दुआ करो कि श्वेता जिंदा है और वो सही सलामत हमें मिले। पुलिस को इस बात का पूरा यकीन था कि संजू की खामोशी टूटते ही उन्हें उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिनकी तलाश में वो अब तक जुटी हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि संजू की इस टूटी खामोशी ने
उन अनसुलझे सवालों को और भी उलझा दिया। संजू ना सिर्फ एनआरआई अय्यर की हत्या से इनकार कर रहा था, बल्कि अपने आप को श्वेता का हमदर्द बताते हुए उसके गायब होने में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार कर रहा था। तो क्या वाकई में संजू उतना मासूम था जितना वो अपने आप को दिखा रहा था, या फिर उससे भी कहीं ज्यादा शातिर जितना कि पुलिस अब तक उसे समझती आई थी? अगर संजू ने अय्यर की हत्या नहीं की थी तो फिर किसने की थी? और अगर श्वेता उसके पास नहीं थी तो फिर वो कहां थी? अरे बाबा, ये शॉप क्या है? बेहतर देखो। अरे रुको, मैं देख कर आता हूं। बंदर सुनो, हमारे घर में चोरी हुआ है। हेलो हेलो पुलिस इंस्पेक्टर, आपको फोन करने के बाद ना हम दोनों ने मिलकर पूरा घर चेक किया। घर में जो लॉकर लॉक करके गया था वो वैसा ही लॉक है, उसमें से कोई कीमती सामान भी चोरी नहीं हुआ है। लेकिन ये घर का हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हमारा पीछे से कोई रह रहा था यहाँ पर। दो दिन पहले मित्रा वो बोलपुर जा रहे थे तो ऐसा उस लड़की ने कहा था। आखिरी बार कब देखा था उसे? मैम दो दिन पहले जब वो कंपाउंड से बाहर जा रही थी तो मैंने उसको रोका और पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो उसने कहा कि कुछ सामान लेने के लिए जा रही हूँ, कुछ टाइम पे वापस आ जाऊंगी। दुकान मालूम है तुम्हें? हाँ सर, एक लड़की आई तो थी सामान खरीदने, तो सामने वाले बंगलो है ना, वहाँ पे किसी की मेहमान बता रही थी। मैम और एक बात, उस दिन वो सामान खरीदने के बाद वापस नहीं आई। तुम एक काम करो, स्केच वाले को बुलवा कर उस लड़की का स्केच तैयार करो। जानते हैं इसे? ये लड़की? अरे ये तो वही लड़की है, देखो तो। अरे ये तो वही लड़की है जो हमारे साथ ट्रेन में कंपार्टमेंट में थी। हाँ। ये अकेली थी इसलिए हम दोनों ने मिलकर इसका अच्छी तरह ख्याल रखा, पूरा हावड़ा तक आई हमारे साथ। फिर हावड़ा से हमको इनके पेरेंट्स का कॉल आया, बोलपुर से हमारे एक क्लोज रिलेटिव का डेथ हो गया था, तो हम हावड़ा उतर गया और टैक्सी लिया और बोलपुर चला गया। रास्ते में हमने इस लड़की को भवानीपुर में छोड़ दिया। इस लड़की ने बोला कि इसका बाबा कोलकाता में काम करता है और वो बीमार है और ये इसे उसे देखने के लिए कोलकाता जा रही है, और हमने इसे अपना एड्रेस दिया, फोन नंबर दिया, बोला कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तुम हम लोगों को कॉन्टेक्ट करो। और हाँ, वो ट्रेन के अंदर हमारी वाइफ से हमारा घर का कीज भी गिर गया, लेकिन हमारे पास एक स्पेयर सेट था इसलिए हमने उतना सीरियसली ढूंढा नहीं। पर अभी हमको लगता है कि यही लड़की वो कीज चुराया होगा। उस लड़की के पास घर की चाबियां भी थी और उसे घर का एड्रेस भी मालूम था, और उसे ये भी मालूम था कि मिस्टर मित्रा अपने घर नहीं बोलपुर जा रहे। तुम एक काम करो, मुंबई पुलिस को उस लड़की का स्केच भिजवाओ, हो सकता है हमें उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, मिसिंग या कुछ और। यस मैम। सर एक गुड न्यूज है, श्वेता जिंदा है, ये रहा स्केच। श्वेता मिल गई आपको? वो जिंदा है? वो मिली नहीं, सिर्फ खबर मिली है कि वो कोलकाता में कहीं है। कोलकाता? सर तो अभी वो कोलकाता से भी गायब है, लेकिन तांबे ये वाकई गुड न्यूज है कि श्वेता जिंदा है। कोलकाता पुलिस को श्वेता से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन भेज दो और इस केस से जुड़े हर शख्स को उठाकर लेकर आओ, क्योंकि इस केस में अभी भी कुछ ऐसा बाकी है जो ये लोग हमसे छिपा रहे हैं। मैं मुंबई से बच्ची की इंफॉर्मेशन आ गई, इसका नाम श्वेता है, अचानक से रातों रात मुंबई के एक ऑफिस से गायब हो गई। फुटेज में कुछ मिला? यस मैम। मैम मित्राज ने जो एग्जैक्ट डेट बताया था उस दिन फुटेज हमने चेक किया, उसमें साफ दिख रहा है एक बच्ची कंपाउंड में एंटर करते हुए, उसके बाद ये घर से बाहर निकलती है, खाने पीने के लिए सामान खरीदती है और फिर घर में वापस। प्ले करो इसे। ये लड़की घर से बाहर निकली और फिर इसने खाने पीने का सामान भी खरीदा और वापस भी चली गई, लेकिन ये अचानक गायब कहाँ हो गई? मुझे पता था वो लोग श्वेता को बेचने जा रहे हैं, मुझे पता था, लेकिन तो भी मैं पुलिस वाले के पास गई नहीं, क्योंकि मुझे वो अनाथाश्रम वालों ने 1,00,000 रुपया दिया था मेरा मुंह बंद करवाने के लिए। मैडम संजू सच में श्वेता से बहुत प्यार करता था, उसे लेके उसके मन में कोई भी गंदा इरादा नहीं था, वो सच बोल रहा है मैडम। मैंने
मैंने ही उसके बिस्तर के नीचे वो गंदी डीवीडी छुपाई थी मैडम। क्यों? मैं बहुत नफरत करती थी उससे, बहुत ज्यादा नफरत करती थी। संजू, संजू आना जरा। हाँ आलो, चलो मैं आता हूँ। क्या हुआ वैनी, क्यों बुलाया? तुझे बच्चे बहुत पसंद है ना? बहुत पसंद है मुझे। देखो ना, आपके भाजी के साथ अभी 1.5 घंटा खेल रहा था, अभी कोचिंग के लिए देर हो गई है, मैं निकलता हूँ। जब उसने मुझे मना किया और घर वालों को बताने की धमकी दी तो मैं बहुत डर गई थी कि मेरे पति को सच का पता न चल जाए, और इसीलिए मैंने उसे झूठे केस में फंसा दिया कि उसने मेरी भतीजी के साथ बदतमीजी की थी। और मैं यही चाहती थी कि आप लोग उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दें। मैडम, मेरी और कोई गलती नहीं है। मिसेस अय्यर, आपके जुर्म की कहानी आपके पार्टनर्स ने हमें इंस्टॉलमेंट में बता दी है। हमें ये भी पता चला है कि आप और आपके स्वर्गीय पति ब्राजील में ह्यूमन ऑर्गन्स का बिजनेस करते हैं। अब बची हुई कहानी आप हमें बताएंगी या बुलवानी पड़ेगी? ब्राजील के ब्लैक मार्केट में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए हम ह्यूमन बॉडी सप्लाई करते थे। एशियन कॉन्टिनेंटल के गरीब लोगों को नौकरी का झांसा देकर ले जाते थे। बट इस बार एक चाइल्ड बॉडी की रिक्वायरमेंट थी और श्वेता उसमें एग्जैक्टली फिटेड थी। श्वेता कहाँ है? जिस दिन मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ उसी रात होटल के रेस्टोरेंट में हमने तीनों ने साथ में डिनर किया था। उसके बाद वो कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। सर, मिसेस अय्यर के झूठ बोलने की कोई वजह नजर नहीं आती। मुझे तो लगता संजू झूठ बोल रहा है। संजू श्वेता को लेकर हमेशा से ही बहुत पॉजिटिव था, इनफैक्ट अभी भी है। तो शायद उसे जब सच्चाई पता चली तो मिस्टर अय्यर को मार दिया। ऑफ कोर्स ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसे ना होने के भी पूरे चांसेस है। हमारे पास संजू बेगुनाह है, इसके कोई सबूत नहीं, उसी तरह वो गुनहगार है, इसका भी कोई सबूत नहीं। हाँ, सीसीटीवी फुटेज से हमें ये पता चलता है कि कत्ल वाले दिन और वक्त संजू होटल में गया था, पर उससे ये साबित नहीं होता कि ये कत्ल संजू ने किया है। तो फिर कौन हो सकता है सर? वो तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं। इस वक्त कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन तांबे एक पॉइंट नोटिसेबल है। मिसेस अय्यर ने कहा था जब मिस्टर अय्यर का जिस रात खून हुआ था उस वक्त श्वेता उन दोनों के साथ थी। अगर ऐसा है तो श्वेता कहाँ है? आपको क्या लगता है सर, क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि इस पूरी कहानी में एक और किरदार इन्वॉल्व है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया, या फिर इन्हीं किरदारों में से कोई एक है जो डबल रोल प्ले कर रहा है। नहीं समझा सर। कोलकाता पुलिस को फोन करो और अपडेट्स लो। अगर ये श्वेता हमें मिल जाती है फिर सब समझ में आ जाएगा। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो लड़की अचानक हवा की तरह गायब हो गई है, वो भी बिना कोई क्लू छोड़े। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। वो लड़की मुंबई में हुए एक मर्डर केस की बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। कम ऑन, एक काम करते हैं, हम लोग फिर से शुरू करते हैं। उस कंपाउंड के जितने भी बंगलों के ओनर्स हैं और उनकी फैमिली पर नजर रखो, और सोसाइटी में रोज जो भी आता जाता है, बाजी वाला, दूध वाला, जो भी, उन सब पर नजर रखो। कोई ना कोई ऐसा डॉट तो है जिसे हम मिस कर रहे हैं। यस मैम। किसने बोला आपको तबीयत खराब है? अरे मेडिकल शॉप से दवाइयाँ खरीद रहे हो। सर वो थोड़ा 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 गला खराब हो गया था इसलिए। देखा ये दवाइयाँ तो बच्चों की है, कैसे उसको बच्चा रहता है? सर वो सर सर बोल सर यार कुछ नहीं सर सर चल उन्होंने कहा था वो मेरे नई आई बाबा है, और मैं मेरी नई आई के साथ होटल में खाना खा रही थी, और मैंने जल्दी खाना खत्म कर लिया और बाबा के साथ वीडियो गेम खेलने ऊपर चली गई। ओके, टीवी देखा बैठी। और मेरे काका ने तो भेजा था, मैं वहां से भाग के रेलवे स्टेशन पर चली गई, और पता नहीं मैं कौन सी ट्रेन में बैठ गई। सॉरी संजू भैया, सिर्फ आप ही भरोसा करने के लिए मेरी वजह से आपके साथ ये सब हुआ। सॉरी नहीं बोलते बेटा, मैं तो सब कुछ भूल गया। कल जो मेरे साथ हुआ अब तो तुम्हारे साथ नहीं होगा। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, मुझे किसी ने नहीं अपनाया, लेकिन मैं तुम्हें अपनाऊंगा। हाँ बेटा,
तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। संजू तुम बेकसूर हो, जा सर कावड़े। और हाँ सॉरी, और इस तरह संजू गाइड और श्वेता की इस कहानी का अंत हुआ। आखिर उसे इंसाफ मिल ही गया। जिस झूठे इल्जाम के साए में उसकी जिंदगी गुजर रही थी वो दाग उस पर से हट गया। श्वेता को पुलिस ने अदालत में पेश किया जिसके मामले में फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन एक बात इस कहानी से निर्विवाद रूप से साबित होती है और वो ये है कि जिंदगी एक मंच है जहां हम सब अपना अपना किरदार निभाते हैं। अपनी जिंदगी की कहानी अपने हिसाब से लिखना भले ही हमारे बस में ना हो, लेकिन उस कहानी में हम नायक की भूमिका निभाएंगे या खलनायक की, इसका चुनाव करना सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में होता है। कदम कदम पर अन्याय का शिकार होने के बाद, समाज का तिरस्कार और अपनों की नफरत झेलने के बाद, संजू के लिए आसान था कि वो खलनायक बनकर बुराई के रास्ते पर चल पड़ता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अच्छाई के रास्ते को नहीं छोड़ा और आखिर में सबको ये मानना ही पड़ा कि वो खलनायक नहीं बल्कि असल में एक नायक था। संजू के इस चुनाव और जज्बे को सलाम करते हुए हम ये चाहेंगे कि हम सब इस कहानी को हमेशा अपनी सोच में ताजा रखें और जिंदगी में अपने किरदार को चुनने में वही समझदारी दिखाएं जो संजू ने दिखाई। सुनो, सब ले लिया? हाँ। कुछ छूटा नहीं है ना, वरना लेट हो जाएगा। सुनो, मैं बोल रही थी आई बाबा बोल ही रहे हैं तो क्यों ना पूजाने के बाद चले। अंजलि कुछ नहीं होने वाला, चलो जल्दी निकलते हैं और जो कुछ भी होगा देख लेंगे ना, है कि नहीं? अरे यार बैठो, हम अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं, लगना जा अड़चण यार संभलत कि नहीं। वैसे भी वहां पे तुम्हें परेशान करने के बहुत मौके मिलने वाले हैं मुझे। आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? एक दो दिन रुक जाते हैं ना, मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है। अरे मैं 10 बार बोल चुका हूँ हम नहीं रुक सकते, तुम्हें बात समझ में नहीं आती? तुम्हारी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है, बच्चे को कोई खतरा नहीं होगा, मैंने कहा ना। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसे क्या इमरजेंसी है कि आप ऐसा। तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना तुम्हें फटाफट तैयार हो जाओ, चलो निकलना है हमें। दामाद जी आप खाओ खाओ परेशान हो रहे और वैसे भी डरने की कोई बात तो है नहीं। ससरे बुआ मना माइते भी काय करते हो, ये मेरा घर का मामला है, आप बीच में मत बोलिए। मैंने डिसाइड कर लिया है आज हम लोग जा रहे हैं बस। अरे बेटा लेकिन मंजू साहब पेट से है, इसका तो थोड़ा ख्याल रखो। तुम आ रही हो या नहीं? क्यों लगी भाई? तैयार हम से सोहम, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तेरी टेंशन क्यों, अपने हॉस्पिटल में जाओ यार। भाऊजी लवकर। हेलो रे हेलो, 2 मिनट। सर गाड़ी में 4 आइडेंटिटी कार्ड मिले जिसमें से 2 आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर के सरनेम सेम है और बाकी 2 आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर के सरनेम सेम है, मतलब ये दोनों कपल है और सर मुझे लगता है कि ये चारों एक ही फैमिली के हैं। सर हाईवे पर लूटपाट का मामला दिखाने की कोशिश की गई है लेकिन वैसे है नहीं क्योंकि गाड़ी में मोबाइल पर्स सब कुछ वैसे के वैसे ही है। हो सकता है लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। शिंदे किस आदमी को बाथरूम लगी हो, इसीलिए इसने हाईवे से गाड़ी नीचे 50 मीटर दूर यहाँ कच्चे रास्ते पर रोकी और जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला इन पर किसी ने हमला कर दिया और सबको मार दिया। एक काम करो इस पूरे एरिया की तलाशी लो, शायद कोई सुराग मिल जाए। ओके सर चलो। हाईवे का सफर जहां एक तरफ इंसान को वक्त पर या कई बार वक्त से पहले पहुंचने की सहूलियत देता है तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के कारणों में कमी की वजह से यह भी देखा गया है कि वक्त पर पहुंचना तो दूर कई बार इंसान अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाता क्योंकि कोई अनहोनी या हादसा उन्हें पहले ही जिंदगी से दूर ले जाता है। हाईवे पर होने वाले हादसों के आंकड़े हर साल बढ़ रहे हैं और हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं
और सुरक्षा की इसी अनदेखी का फायदा उठाते हैं वो गैंग जो हाईवे पर लूटपाट करते हैं। क्या ऐसे ही किसी गैंग की हरकत थी चार लोगों की हत्या की कोशिश, जिनमें से तीन लोग मर चुके थे और एक अब भी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी? आखिर आने वाले पलों में क्या लिखा था उसके लिए? चिंदे, क्या रिपोर्ट है यहाँ की? सर, ऑपरेशन चल रहा है, शायद लड़की बच सकती है। चिंदे, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, ये चारों एक ही परिवार से थे। इनमें एक कपल था, सोहन और अंजलि माने, और जिस आदमी की डेड बॉडी हमें गाड़ी के बाहर झाड़ियों के पास मिली उसका नाम था प्रताप शिर्के, जो मंजूषा का पति था। मंजूषा और सोहन दोनों सगे भाई बहन हैं। मंजूषा और प्रताप सोहन की शादी के लिए कोल्हापुर आए थे, और जब इन पर हमला हुआ तब ये लोग अपने घर वापस जा रहे थे पुणे। मैंने इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया था, वो आए हैं क्या? सर, उन्हें मॉर्ग रूम ले जाया गया है बॉडी की शिनाख्त के लिए। कंधे में लगी गोली को तो हमने निकाल दिया है, पर क्योंकि खून काफी बह चुका था इसलिए रिकवर होने में टाइम लगेगा। वैसे अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, इस हादसे में उनको अपना बच्चा भी खोना पड़ा, इसलिए सिर्फ फिजिकल ही नहीं मेंटल डैमेज भी होगा। आप लोगों को उनका खास ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा उनका। सावित्री, संभाल अपने आप को। सर, ये उन हिस्से शीटर्स की लिस्ट है जिनका हाईवे पर लूटपाट करने का रिकॉर्ड है। चिंदे, मुझे नहीं लगता ये काम हाईवे पर लूटपाट करने वालों ने किया है। इसकी दो वजह, पहली वजह ये है कि वो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि पुलिस को उनका कोई भी हिंट ना मिले, और दूसरी वजह ये कि अगर ये मामला लूटपाट का होता तो कैश, मोबाइल, ज्वेलरी सब गायब होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ बरामद हुआ। सर, ये बैलिस्टिक रिपोर्ट। चिंदे, इस बैलिस्टिक रिपोर्ट से मेरा शक और पक्का हो गया। देखो, गोली किसी हाई एंड गन से चली, और हाईवे पर लूटपाट करने वाले लोग देसी कट्टे का इस्तेमाल करते हैं। सर, ऐसा भी हो सकता है कि चारों में से किसी एक से प्रॉब्लम हो और बाकी तीन लोग हादसे का शिकार हो गए हो। लेकिन चिंदे, ये भी हो सकता है कि दुश्मनी सिर्फ एक से नहीं बल्कि पूरे परिवार से हो। इस बार परिवार पूरा इकट्ठा था, इसीलिए हमला हो, और ये पता करने के लिए हमें सोहम, अंजलि, मंजूषा और प्रताप, इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी, और उनकी भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी जो इन लोगों से जुड़े हुए हैं। सर, मंजूषा के पिताजी आए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि चारों एक साथ कैसे थे। मतलब? सर, वैसे तो इन चारों को पूना जाना था, पर सोहम और अंजलि पहले निकले थे। थोड़ी देर बाद में मंजूषा और प्रताप निकले थे, दोनों अलग अलग गाड़ियों से। अच्छा, ये बताओ कि चारों को पुणे जाना ही था तो दो अलग अलग गाड़ियां क्यों नहीं? सोहम और अंजलि को हनीमून के लिए जाना था, नई नई शादी और थोड़ी प्राइवेसी, इसीलिए अलग अलग गाड़ियों में गए। और वैसे तो आप जानते ही हैं कि आजकल के बच्चों को समझाना कितना मुश्किल है, इसलिए हमने मना भी नहीं किया था। सर, मुझे अभी अर्जेंट निकलना पड़ेगा, क्या है कि सातारा में मुझे अर्जेंट काम है। ठीक है, फिलहाल आप जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको जल्दी वापस आना पड़े। चिंदे, कमाल का आदमी है, बेटा, बहू और दामाद मर चुके और बेटी हॉस्पिटलाइज है, लेकिन इसे अर्जेंट वर्क से सातारा जाना है। सर, मुझे नहीं लगता कि जनार्दन हमें सब कुछ सच बता रहा है, बात कुछ और है और ये बता कुछ और रहा है। प्लीज आप शांत हो जाइए। सर, हॉस्पिटल से फोन आया था, मंजूषा को होश आ गया। याद करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ कल क्या हुआ था? मैं प्रताप पुणे जा रहे थे, बीच में सोहम का फोन आया था। हाँ 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 सोहम, क्यों नहीं, बस दो मिनट लगेंगे। सोहम का फोन था, वो आगे हाईवे पर खड़े हैं, उनकी टैक्सी खराब हो गई है, उसे और अंजलि को आगे से पिकअप कर लेते हैं। अरे, हम लोग अभी तक हाईवे पर पहुंचे नहीं हैं और उनकी टैक्सी खराब हो गई,
उन्हें कहना दूसरी टैक्सी पकड़ के आ जाए। क्या हुआ? हाँ नहीं नहीं कुछ कुछ नहीं, ठीक है पिकअप कर लेंगे उन्हें। उसके बाद कल तुम्हारी ये कैब से तुम अंजलि और सोहम को पुणे लेकर जा रहे थे ना? हाँ साहब, मैं ही लेकर जा रहा था उनको, लेकिन अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, इसलिए मैंने उनको हाईवे पे ही छोड़ दिया। क्या ये वही दोनों हैं जिन्होंने अंजलि और सोहम को लिफ्ट दी थी? हाँ साहब, ये वही है। प्रताप ने अंजलि और होम को हाईवे से पिकअप किया था। अंजलि तुम बहुत स्मार्ट हो, नहीं राइट टाइम पे सोहम के साथ घर अलग बसाने का डिसीजन ले लिया, वरना इनके घर वाले तुम्हारे घर में कभी शांति रहने ही नहीं देते। आओ भाऊजी, चार दिवस झड़े लगना है, कभी तो अच्छा बोलो फैमिली के बारे में। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? कुछ क्या हम पीछे ले सकते हैं? बहुत पेट में दर्द कर रहा है। ताई, ताई क्या हुआ? पानी दो, पानी दो। अरे थोड़ा सहन कर लो, इनको पूना भी छोड़ना है और हमें आगे जाना है। भौजी ताई की तबीयत इम्पोर्टेंट है या पूना जाना? भौजी आगे से एक राइट है, वहाँ शॉर्टकट है, हम जल्दी जा सकते हैं वहाँ से। ठीक है, चोर की लगे जा क्या था? मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ताई टेंशन क्यों लो, अपने हॉस्पिटल में जाओ। या भाऊजी लवकर। हेलो रे, हेलो, दोन मिनट। इंस्पेक्टर साहब, आपको इन्हें थोड़ा और वक्त देना होगा। ठीक है डॉक्टर, आप जरा हमारे साथ आइए। डॉक्टर हमें इनसे कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कितना टाइम लगेगा इन्हें रिकवर होने में? कितना टाइम लगेगा ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ रिकवर होने में टाइम तो लगेगा, और आप लोगों के सवालों से उनकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। वो वैसे ही मेंटल और फिजिकल ट्रोमा में है, एक तो शूट आउट की वजह से और दूसरा वो अपना बच्चा खो चुके हैं। थैंक यू डॉक्टर। शिंदे मुझे ऐसा लगता है जिसने भी ये कत्ल किया है उसका टारगेट प्रताप था, या शायद मंजूषा और प्रताप दोनों, और ये सोहम और अंजलि गेहूं के साथ घुन की तरह पिस गए। सर लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि इस प्रताप को मंजूषा के माँ बाप से क्या प्रॉब्लम थी कि उसने शादी करके आई हुई नई बहू को भड़काने की कोशिश की? अंजलि तुम बहुत स्मार्ट हो, नहीं राइट टाइम पे सोहम के साथ घर अलग बसाने का डिसीजन ले लिया, वरना इनके घर वाले तुम्हारे घर में कभी शांति रहने ही नहीं देते। हो सकता है वो सच बोल रहा हूँ या फिर अपनी कोई कमी छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रताप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें मंजूषा के बाप से मिलेगी। उसका बाप सितारा में कुछ अर्जेंट काम के लिए गया हुआ ना, वापस आया कि नहीं? हाँ सर, मैंने एक कांस्टेबल उसके पीछे लगाया था, अभी वो अपने घर पर ही है। प्रताप सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था, उसने मेरी बेटी की कभी फिक्र नहीं की, हमेशा मेरी मंजूषा को दुख दिया है उसने। अरे चार लोगों के बीच उसे बेइज्जत करता था। सर सच कहूं तो प्रताप बहुत गुस्से वाला आदमी था, यहां तक कि उसने मेरे सोहम पर कोर्ट केस भी कर दिया था हमारी अपनी जमीन हथियाने के लिए। वो सबको गालियां देता था, किसी की इज्जत करना तो उसे आता ही नहीं था। इसलिए तुमने उसे तंग आकर जान से मार दिया है ना? सच कहूं तो हाँ, मैं उसे तंग आ गया था, पर मैंने उसका खून नहीं किया। मैं अपने बेटे बहू को क्यों मारूंगा? मैंने किसी को नहीं मारा सर। चले इस जनार्दन की कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन निकालो, क्योंकि ये सिर्फ प्रताप से ही नहीं सोहम और अंजलि से भी गुस्सा था, क्योंकि अंजलि के कहने पर सोहम अलग घर लेकर रहने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन सर फिर जनार्दन मंजूषा को क्यों मारेगा? चिंदे ये मत भूलो कि गोली मंजूषा के कंधे पर लगी है, और कंधे पर गोली लगने से कोई मरता नहीं है। मत रो बेटा, कितना रोएगी। मर जाना चाहिए था मुझे इस नाक जैसी जिंदगी में, बच्चा ही तो एक सहारा था, वो भी इस दुनिया में नहीं रहा, किसके लिए जीऊंगी? नहीं बेटा रोते नहीं, मेरी बात सुन,
वो प्रताप ने तो तेरी जिंदगी में ऐसे भी नरक बना के रखी थी, और अब तो तेरा बच्चा भी नहीं रहा। सुन, अब तो तेरी जिंदगी आजादी से अपने तरीके से जी सकती है बेटा। 30 साल की उम्र में विधवा बनकर मैं कैसे आजाद हो सकती हूँ? सर, हमने जनार्दन के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की है। कत्ल के बाद जनार्दन का मोबाइल लोकेशन हाईवे के आसपास का नहीं था। और सर, ये सोहम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सोहम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सोहम के बॉडी पर गोली के अलावा कुछ चोट के निशान पाए गए। वो ज्यादा पुराने नहीं थे और उसमें से कुछ घाव भर भी चुके थे। इसका मतलब कुछ दिन पहले सोहम की किसी से लड़ाई हुई थी और उसने सोहम को बहुत बुरी तरह से मारा भी, लेकिन क्यों? और ये बात उसके घर वालों ने हमसे छुपाई क्यों? का झगड़ा हुआ था कब? हमें तो कुछ पता भी नहीं जी। सर, हो सकता है वो झगड़ा यहाँ नहीं बल्कि पूना में हुआ हो, इसलिए हमें कुछ नहीं पता और उसने हमें कुछ बताया भी नहीं था। अगर उसका झगड़ा यहाँ नहीं पूना में हुआ तो इसके बारे में आपको पता तो होगा ही। सर, मैं तो बीमार थी। सर, क्या हम सोहम की बॉडी के साथ साथ अंजलि की बॉडी को भी क्लेम कर सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अंजलि के घर वाले आएंगे। सर, जनार्दन सच बोल रहा है। अंजलि के घर वाले अंजलि और सोहम के शादी के बिल्कुल खिलाफ थे, यहाँ तक कि वो अंजलि के शादी में भी नहीं आए। इसका मतलब मर्डर का मोटिव अंजलि के परिवार वालों के पास भी है, क्योंकि अंजलि ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की और ये मर्डर उसी का परिणाम। शिंदे, अंजलि के परिवार वालों का एड्रेस निकालो और उनसे अच्छी तरह से पूछताछ करो। ओके सर। सर, हमें भी बिरादरी में रहना है, दूसरी जाति में बेटी को देते तो समाज को क्या मुंह दिखाते? अंजलि को बहुत हमने कोशिश की सोहम से दूर रखने की, यहाँ तक कि उसे कमरे में भी बंद कर दिया था। हमें लगा सब खत्म हो गया, पर अंजलि ने हम सब की नाक कटवा दी। वो सोहम के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर ली। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुमने उनका खून कर दिया। हमें ये भी पता है कि शादी के कुछ दिन पहले तुमने सोहम के साथ मारपीट भी की थी। सर, इस वजह से आप अगर हम पर यह इल्जाम लगा सकते हैं तो कोई और भी है जिनके मुंह पर इन्होंने शादी करके कालिक पोत दी थी, जिनको मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई तुझसे शादी करके। पनौती बन के आई तो उसकी जिंदगी में कभी सुख नहीं दिया उसे, और अब उसकी जान ले ली तूने? मनहूस कहीं की? अरे तू क्यों नहीं मरी उसकी जगह पे? तुम सबने मिलकर जान ली है मेरे बेटे की। समधन जी, ये क्या कह रही है आप? हादसे में आपने अपना बेटा ही नहीं बल्कि हमने भी अपने बेटे बहू को खोया है, तो भला हम अपने बेटे की जान क्यों लेंगे? ये मुझसे नहीं, खुद से पूछिए, सब पता है आपको। सर, सोहम के बैंक अकाउंट डिटेल से पता चलता है कि 8 तारीख को सोहम के डेबिट कार्ड से 4,000 रुपए का बिल हॉस्पिटल में पेड हुआ था। उसे काफी सारी चोटें आई थी, इस वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। उसे हॉस्पिटल लेकर कौन गया? सर, उसके कुछ फ्रेंड और उसके बाप जनार्दन ने उसको एडमिट करवाया था। इसका मतलब उसके पिता को इस बारे में सब कुछ पता था, तो फिर उसने हमसे झूठ क्यों बोला? ये है सोहम की शादी का कार्ड जिस पर लड़की का नाम अंजलि नहीं नेहा है। अब और कुछ छुपाने की कोशिश की ना तो अगली बार पूछेंगे नहीं, उगलवाएंगे, समझे? सर, नाम तो बदल ही सकते ना, पंडित जी ने कहा था कि ये नाम अच्छा नहीं है, नेहा नाम शुभ है, इसलिए हमने नेहा नाम छपाया। अच्छा, पंडित ने बाप का नाम भी बदलने के लिए कहा था? देखो इसे, इस पर बाप का नाम रघुनाथ भोसले लिखा हुआ है, कॉर्पोरेटर। तुम्हें पहले एक सांगा कि तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे डर कर सच छुपा रहे थे? मैं भला उससे क्यों डरूंगा? अच्छा, उससे नहीं डरते? फिर उस दिन तुमने झूठ क्यों बोला था कि तुम्हें नहीं पता कि सोहम को किसने मारा बल्कि तुम ही उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे? हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज दिखाऊं ताकि सब कुछ याद आ जाए। मैं ये नहीं कहती कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो भूलना इतना आसान है, पर कोशिश तो कर।
नसीब में जो कुछ भी लिखा है वो हम बदल नहीं सकते, ना ही मिटा सकते हैं। शायद इसीलिए भगवान ने हम औरतों को सहन शक्ति दी है, ताकि जो कुछ भी दुख हो हम हंस के पी जाए। यहाँ से तुझे हिम्मत मिलेगी, शांतिपूर्ण मेल, तू बस हाँ प्यालेस। पंडित जी, मेरी बेटी मंजूषा के नाम से पूजा कीजिए। रोहन भोसले, सुहम के साथ तुमने मारपीट की थी ना? हाँ की थी, और सिर्फ मारपीट नहीं, हड्डियां तोड़ी थी उसकी। पर आप साबित कैसे कर पाओगे? उसकी चिंता तुम मत करो, ये हमारा काम है, हम कर लेंगे। तुम सिर्फ अपनी हड्डियों का ख्याल रखो। अरे सर, अंदर चल के बात करते हैं ना, अब भी क्या बच्चे की बात का बुरा मान गए। दरअसल अपने बहन से बहुत प्यार करता, जब सोम ने उसका मजाक उड़ाया तो गुस्से में आकर इसने उसके साथ मारपीट की। शर्म आनी चाहिए आपको, अपने बेटे को समझाने की बजाय इसी की शर्ट ले रहा है। इसने कानून को अपने हाथ में लेने की गलती की है, और इसे आप बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ सर, गलती होगी, बच्चा है, गर्म खून है, गुस्सा जल्दी आ जाता है इसे। ये भी तो हो सकता है, इसी गुस्से में इसने सोहम, उसकी वाइफ और उसके ब्रदर इन लॉ तीनों का खून किया। और गर्म खून को ठंडा करना हमें अच्छी तरह से आता है। सर आप गलत समझ रहे, इसने सिर्फ मारपीट की है, किसी को मारा नहीं। इसने नहीं मारा तो आपने मारा है। सर मैं किसी को क्यों मारूं, मैं तो भगवान का शुक्र मानता हूँ, ये सब शादी के पहले हो। शादी के बाद अगर अंजलि आ जाती तो ये सोहम मेरी बेटी को छोड़ के भाग जाता, तब सोचो तो मेरी बेटी का क्या होता। कम से कम उसको आजकल 1000 रिश्ते आ रहे हैं, लड़कों की कुछ कमी नहीं है। हेलो, क्या आज सुबह हम दोनों मंदिर गई थी, मैं अंदर पूजा करने के लिए चली गई, बाहर आके देखा तो मंजूषा बाहर नहीं थी। मैंने उसे ढूंढा, वहाँ एक सुनसान जगह पर बैठी हुई मिली। मंजूषा देखा तो काय गई, इकड़े काय करते हैं, काय का? मैं मंदिर की परिक्रमा कर रही थी। जैसे ही मंदिर के पीछे की तरफ पहुंची तो मुंह पर कंबल होने की वजह से मैं देख ही नहीं पाई कि कौन था। हाईवे पर हमला हुआ और सिर्फ मंजूषा बची, लेकिन उसने कुछ भी साफ साफ नहीं बताया, और आज भी उस पर हमला हुआ और उसने कुछ नहीं देखा। मुझे लगता है ये मंजूषा मेन टारगेट, या शायद इन मर्डर्स के पीछे मंजूषा ही है। शिंदे काम करो, इस मंजूषा पर नजर रखो और इसकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर डिटेल्स सब कुछ निकालो। ओके सर। मंजूषा, तूने पुलिस से झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ आई? यही कि तुझ पर जिसने हमला किया उसे तूने देखा ही नहीं। क्योंकि आई मैंने सच में नहीं देखा, उसने मेरे ऊपर कंबल। चुप कर, जब मैं वहां पहुंची तब वहां कोई कंबल वंबल नहीं था। क्या बात है बेटा, किसे बचाना चाहती है? सुनील, मंदिर में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं सबकी फुटेज निकालो। क्यों इसे लेके जा रहे हो आप? क्या किया इसने? सर, हुआ क्या? कहाँ ले जा रहे हैं? क्या किया है? हमें कुछ पूछताछ करनी है, चलाओ। मंजूषा, ये देखिए, जिस टाइम मैं मंदिर की परिक्रमा कर रही थी ये उस टाइम की सीसीटीवी फुटेज है। सलाम साहब,
ये इरफान, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी से पहले तक हमारा अफेयर चल रहा था। हम दोनों के धर्म अलग अलग थे, इसलिए मेरी फैमिली ने मुझे उससे शादी नहीं करने दी और ज़बरदस्ती मेरी शादी प्रताप से करवाई, क्योंकि प्रताप ने मेरे बाबा के बिजनेस में पैसे लगाए थे। जब बाबा का बिजनेस डूब रहा था, प्रताप बहुत ही एरोगेंट और गाली गलौज करने वाला आदमी था। वो मुझे हमेशा नीचा दिखाता था। मेरी ज़िंदगी तो जैसे नर्क बन चुकी थी। सभी लोग मुझसे सिंपथी ज़रूर रखते थे, पर कोई मेरी हेल्प नहीं करना चाहता था। और फिर 4 महीने पहले एक दिन अचानक इरफान मिला। उसके बाद अक्सर वो मेरा पीछा करता था। मैंने कभी भी उसे पलट कर नहीं देखा, पर वो हार मानने को तैयार ही नहीं था। मेरा पीछा करता रहा, मुझे फोन करता रहा। कोई ईमेल नहीं मिला अभी तक, मिलना तो चाहिए। हाँ, फिर मैंने आखिरी बार मिलकर इरफान को समझाने का सोचा और उसे मिलने बुलाया। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं। आके तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। इरफान प्लीज, दूर रहो मुझसे। अब मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरा पास्ट हो, प्रताप मेरा प्रेजेंट है। अरे पर ये अचानक से क्या हो गया? इरफान, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मैंने इरफान वाली बात किसी को भी नहीं बताई। मुझे डर था कि अगर प्रताप को ये बात पता चली तो वो मुझे जान से मार देगा। और कल जब मैं मंदिर गई तो मैंने ये बात इसलिए नहीं छुपाई थी क्योंकि मैं डर गई थी, बल्कि इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी बातों का यकीन कोई नहीं करेगा। सब यही मानेंगे कि मेरा और इरफान का अभी भी अफेयर चल रहा है, जबकि मैंने उसे कभी कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा। सब यही समझेंगे कि मैंने मेरे पति का कत्ल करवाया है और उसके कत्ल की साजिश में मुझे भी घसीट लेंगे। देख, तेरे मोबाइल लोकेशन से हमें पता चल चुका है कि 8 तारीख को जब मर्डर हुआ तब तू हाईवे पे था। चल सच सच बता, तूने मंजुषा के लिए प्रताप को मारा ना? इरफान का घर है? हाँ, कहिए। आप कौन? मैं उनकी बीवी। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। ये रहा आपके घर की तलाशी का वारंट। बाविस्कर तावड़े कानन कोबरा बिन जुंगाड़ा। ओके सर। सर पूरा घर ढूंढा, गन कहीं नहीं है। सर इतने पन कहीं ना मिले। बोलता हूँ मारना मत साहब। मैं मंजूषा और उसके पति का पीछा कर रहा था। मंजूषा मेरी बात को मान ही नहीं रही थी। मैंने सोचा कि उसकी पति की पिटाई करके उसे धमकी दूंगा तो वो अपने आप हमारे रास्ते से दूर हो जाएगा। फिर आगे रास्ते में उन्होंने किसी 2 लोगों को गाड़ी में बिठाया। मैंने सोचा कि ये 2 लोगों को मैं नहीं संभाल पाऊंगा। फिर साहब आगे रास्ते में मैं एक ढाबे पर रुक गया था। शाम 5:30 बजे तक साहब मैं उधर ही था। माँ का सम साहब, मैंने किसी को नहीं मारा है साहब, सच बोल रहा हूँ मैं। वैसे भी प्रताप ने घर और बाहर इतने सारे दुश्मन पाल के रखे थे कि वैसे भी ये काम कोई भी कर सकता था। आप साहब बोल, तू कहना क्या चाहता है? साहब प्रताप ने एक लड़की को यूज करके फेंक दिया था साहब, ये बात उसकी पूरी फैमिली जानती है, लेकिन कोई नाम नहीं लेगा साहब, क्योंकि उसका नाम लेगा तो उनकी बदनामी होगी। सर मर्डर स्पॉट से वो ढाबा लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने ढाबे पर जाकर पूछताछ की तो पता चला कि इरफान सच बोल रहा है। जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त इरफान उस ढाबे पर ही था। शिंदे मुझे ऐसा लगता है कि मर्डर का प्लान इरफान और मंजुषा ने मिलकर किया है। दोनों के पास वजह थी। इरफान मंजुषा को पाना चाहता था और मंजुषा अपनी शादी से मुक्ति। शायद मंजुषा के दिल में इरफान के लिए वापस से फीलिंग पैदा हो गई थी, इसीलिए उसने उसको बचाया।
पता नहीं कौन से कर्मों की सजा मिल रही है मुझे, जो ऐसी औलाद पैदा हुई है मेरे घर में। एक ने शादी करके समाज में नाक कटवा दी और एक है जो शादी के बाद भी अफेयर कर रही है। बाबा गलत समझ रहे। बकवास मत कर, मुझे सब पता है। अरे तेरी वजह से समाज में निकलना मुश्किल हो गया है मेरा। चुप भी करो, और कितना कीचड़ उछालोगे दूसरों पर? कभी खुद पे शर्म नहीं आती तुम्हें? हमेशा से तुमने अपनी बातें मुझ पर और बच्चों पर ला दी है। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि प्रताप की इन हरकतों से तंग आकर और सोहम ने जो अंजलि के साथ शादी की उसकी वजह से और अपना कॉन्ट्रैक्ट खोने की वजह से मैंने तो इन तीनों का खून नहीं किया। सर प्रताप के कॉल रिकॉर्ड में हमें एक नंबर ऐसा मिला है जिस पर कुछ महीने पहले काफी सारी बातें हुई है, और बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक एक अकाउंट नंबर ऐसा मिला है जिस पर लगभग हर महीने पैसे जमा किए जाते थे। सर ये बैंक अकाउंट और फोन नंबर एक ही इंसान के नाम पर रजिस्टर्ड है। नाम क्या है? सर राधिका माने। राधिका माने से तुम्हारे क्या संबंध है? छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम राधिका तक पहुंच चुके हैं। इसलिए तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम सब कुछ सच सच बता दो, वरना तुम पर इतने केस लगाएंगे कि सारी जिंदगी तुम्हारी जेल में गुजरेगी। राधिका माने? हाँ? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? लेकिन क्यों? राधिका मेरे कजिन की बेटी है। बचपन में उसके माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तब से मैंने उसे पाला है। जनार्दन काका और सावित्री काकी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छी जिंदगी दी, कभी कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन मंजूषा ताई की शादी के बाद जब से वो प्रताप मेरी जिंदगी में आया है, मेरी जिंदगी तहस नहस हो गई है। काका ने जबरदस्ती मुझे उसके साथ रिश्ता रखने के लिए मजबूर किया। प्रताप का जब मन करता था वो तब मेरे साथ जबरदस्ती करता था। अपने बच्चे की तरह पाला मैंने उसे, और बदले में उसने मेरी बेटी का घर बर्बाद कर दिया। वो कहती थी कि प्रताप की गंदी नजर है उस पर। काका ने कभी मेरा विश्वास नहीं किया, कभी मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें प्रताप से पैसे मिल रहे थे। सर ये सब 3 साल तक चलता रहा। सर ये सब झूठ है, बकवास है। अगर ऐसा था तो 3 साल तक ये सब कैसे चलता रहा? सर राधिका का दिल आ गया था प्रताप पे, मैंने तो खुद देखा है प्रताप पर उसे डोरे डालते हुए। जैसे ही मैंने अपने ब्यूटिशियन का कोर्स कम्प्लीट किया, मैंने वो घर छोड़ दिया और वापस कभी नहीं गई। 2 महीने हो गए मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी, पर प्रताप ने हार नहीं मानी, वो मेरे पीछे पड़ा रहा। और आज जब आप कह रहे हैं कि वो मर गया है, तो मुझे दुख होने की बजाय खुशी हो रही है, क्योंकि उस जैसे गंदे घटिया इंसान को बहुत पहले मर जाना चाहिए था। सर अगर हम राधिका या जनार्दन इन दोनों में से किसी की एक के बयान को भी सच मान ले, फिर भी राधिका के पास ही प्रताप को मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव है। 3 साल तक प्रताप ने राधिका को अब्यूज किया, उसने अपने बीबी तक को नहीं छोड़ा और इसे भी छोड़ना नहीं चाहता था, और इसीलिए इन सब से मुक्ति पाने के लिए और बदला लेने के लिए राधिका ने प्रताप के ऊपर गोली चलाई होगी, और गलती से सोहम और अंजलि दोनों मारे गए होंगे। शिंदे इस राधिका पर नजर रखो, पता करो इसने किसी से कोई गन तो नहीं खरीदी थी, या किसी को सुपारी दी हो, या ये भी हो सकता है कि उसने किसी के साथ मिलकर प्रताप को मारने की प्लानिंग की हो। ओके सर। ए, क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ तेरा? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि झूठी इज्जत और पैसे कमाने के लिए आप सच को कितना दबाओगे। हम नहीं जानते हमारे घर में राधिका पर क्या गुजरी है, उस बेचारी राधिका ने क्या नहीं सहा, क्या प्रताप ने? फालतू बात मत कर, जिस चीज की अकल रही हो ना उसके बारे में बकवास नहीं करनी चाहिए। तेरी नजर में तो बिल्कुल कभी सही था ही नहीं, मैंने कभी कोई सही काम किया ही नहीं। जब घर से बाहर निकलोगी ना, समाज में जिंदा रहने के लिए और घर चलाने के लिए हाथ पैर मारोगी ना, तब जाकर पता लगेगा कि दुनिया क्या है और कैसे चलती है। बकवास करती है। सर हमने राधिका के घर और ब्यूटी पार्लर के आसपास चेक किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हम ये कह सके कि राधिका ने प्रताप को मरवाया हो या किसी को सुपारी दी हो, और उसने गन खरीदने के कोई सबूत भी नहीं मिले। हेलो अरे भाई तुम्हारे पैसे दे दूंगा मैं, कहीं भागा जा रहा हूं क्या? भरोसा रखो ना, बोल रहा हूं कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें, दे दूंगा।
कैसे हैं आप? काफी बिजी लग रहे हैं, कैसे चल रहा है आपका काम? काम तो ठीक ही चल रहा है। अच्छा, लेकिन हमें तो ये पता चला है कि आप कंप्लीटली नेहा के पिता के ऊपर डिपेंडेंट थे, और जब नेहा के साथ आपके बेटे का रिश्ता टूटा तो आपसे सारे कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिए गए, और ऊपर से कमेटी ने इंक्वायरी बिठा दी ये पता करने के लिए कि पिछले 15 साल से आपने कितनी ईमानदारी से काम किया। सही बात है, हमारे धंधे में ये सब तो चलता ही रहता है। तो अचानक आपके बेटे के मर्डर के बाद आपकी आर्थिक हालत कैसे सुधर गई? हालत तो सुधरने वाले थे, कमेटी ने सब इल्जाम वापस ले लिए, क्योंकि जनार्दन शिर्के के खिलाफ मेरिट में कुछ साबित ही नहीं हुआ। हो सकता है कि इत्तेफाक हो कि मेरिट में कुछ नहीं मिला, पर बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। जब बेटे की शादी होने वाली थी तो कोई भी तुम्हें एक भी कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा बेटा और बहू मरे तुम्हें सब कुछ वापस मिल गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना सब कुछ वापस पाने के लिए तूने खुद ही अपने बेटे और बहू को मरवा दिया हो, और प्रताप तो वैसे ही तुम्हारे गले की हड्डी बना हुआ था, उसे भी रास्ते से हटा दिया हो? आप मुझ पर झूठा और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उसने अपने बेटे की शादी मेरे बेटे से करने के लिए इनकार किया था, इसीलिए इस बात का बदला लेने के लिए मैंने कमेटी बिठाई थी। सर, सोम के मौत के बाद जनार्दन मेरे पास आए और रोने लगा, ये सब उसके बेटे की गलती थी। वो खुद अपने बेटे की शादी मेरी बेटी नेहा के साथ करवाना चाहता था, लेकिन औलादी ऐसे निकली वो तो क्या करे। सर, 20 साल से मेरी और उसकी जान पहचान थी, इसलिए मैंने सोचा कि उसे माफ कर दूं, और मैंने कभी उसे सोम की हत्या करने के लिए नहीं कहा था, और ना ही कभी मैंने उसको धमकाया था। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुमने अपने फायदे के लिए जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी प्रताप से करवाई, और फिर राधिका से फायदा उठाने के लिए उसे भी बलि पर चढ़ा दिया, और अपने बेटे की शादी नेहा से करवाने की सोची ताकि उसके बाप से फायदा उठा सको। और जब सोहम ने तुम्हारे प्लान को चौपट कर दिया तो तब तुमने सोहम और अंजलि दोनों को मरवा दिया। अब जल्दी से बता दो, किससे करवाया काम, किसे सुपारी दी थी, बोल। साहब, मैं सेल्फिश नहीं हूं। आज की इस जोड़ तोड़ की दुनिया में जैसे जिंदा रहा जाता है, बस मैं भी वही कर रहा था, पर मैं अपने लिए नहीं कर रहा था, अपने परिवार के लिए कर रहा था। पर इस सब के लिए मैं किसी को मार नहीं सकता, सोहम तो मेरा अपना बेटा है। अच्छा, तो रघुनाथ से मिलने के लिए क्यों गया था, वो भी तुरंत अपने बेटे की मौत के बाद? तेरे जैसा बाप अपने बेटे की मौत का भी फायदा उठा सकता है। फायदा नहीं साहब, मजबूरी, घर में 3 सदस्य हैं तो उनके लिए भी तो पैसा चाहिए था। सोहम की मौत के बाद मैं रघुनाथ जी से इसलिए मिला था कि मेरी रुकी हुई आमदनी फिर से शुरू हो जाए। आज तक तुमने जो कुछ भी कहा है झूठी कहा है, इसलिए तेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैंने सोहम को नहीं मारा साहब। हाईवे पर हुए इस हादसे में जिसमें 3 लोगों की जान गई थी, संदिग्धों की कमी नहीं थी। मंजुषा, जनार्दन, इरफान, अंजलि का परिवार, नेहा का परिवार, राधिका, सभी के पास कत्ल का मकसद था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था जो कि इनमें से किसी को भी कातिल साबित कर सके। पुलिस के पास रास्ते अनेक थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे हर रास्ता एक बंद गली में खत्म हो रहा है। और तभी आंख मिचोली खेलने वाले इस केस में पुलिस को हत्या का हथियार मिला, और कड़ियां जैसे खुद ब खुद जुड़ने लगी। इसे पहचानती हो ना? अब बात को बिना घुमाए फिराए सब कुछ सच सच बताओ, क्या हुआ था उस दिन? ये गन मैंने प्रताप को मारने के लिए खरीदी थी, और बीच में ही सोहम का फोन आया था कि उन्हें पूना तक लिफ्ट चाहिए, तब मैंने प्रताप को मारने का अपना फैसला टाल दिया। पर ऐसा करने के लिए मुझे अंजलि और सोहम ने उकसाया था। उकसाया मतलब? वो दोनों हमेशा खुश ही रहते थे, उन्हें जो चाहा वो मिला, मुस्कुराते थे, एक दूसरे की केयर करते थे। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी, मैं भी तो उसी परिवार की थी, फिर मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? जब से शादी हुई थी बस रो रही थी, बेइज्जत हो रही थी, मुझे वो खुशियाँ कभी नहीं मिली जो उन्हें मिली थी। फिर एक दिन ये सब देखते सोचते मुझे क्या हो गया? 3 लोगों की जान लेने से बेहतर होता कि तुम अपने आप को समझाती, एक सही फैसला लेने की हिम्मत जुटाती। तुम्हारे एक गलत फैसले ने 2 मासूमों की जान ली है। काश तुम्हें पता होता कि अपराध का रास्ता किसी को आजाद नहीं कर सकता, सिर्फ बंदी ही बना के रख सकता है। ऐसा कहते हैं कि अकलमंद से अकलमंद इंसान भी अपने दिमाग का सिर्फ 2-3% ही इस्तेमाल करता है, बाकी के बचे हुए प्रतिशत में क्या है यह हम नहीं जानते, और शायद उसी का एक हिस्सा है मंजुषा की हालत जिसने उसे गुनहगार बना दिया। लेकिन इंसान की चेतना भी कमाल है, अगर वो जागृत रहे तो इंसान को भगवान, और अगर सो जाए तो भगवान को भी शैतान बना सकती है, और शायद यही हुआ था मंजुषा के साथ।
उसने अपनी हालत के सामने समर्पण नहीं किया था, लेकिन विरोध और बेहतरी का जो रास्ता उसने निकाला था वो उसकी पहले की हालत से ज्यादा भयानक था। जनार्दन जैसे लोग जो समाज और दुनिया की दुहाई देते हैं, अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, उन्हें दूसरों पर थोपते हैं, असल में वो गुनाह की खेती कर रहे होते हैं और उसी गुनाह की फसल उन्हीं के आसपास उगकर उन्हीं की तबाही का कारण बनती है। मंजुषा को सोहम, प्रताप और अंजलि के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। अपनी हालत के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराने से पहले अपने आप को जांच लें कि कहीं आप अपनी हालत के सुधार के लिए किसी दूसरे को संघर्ष करते हुए तो नहीं देखना चाहते। हर गलत बात का विरोध करें और सही समय पर आवाज उठाएं, यही एक अच्छे इंसान की पहचान है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।